हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान पार्क। तो दोस्तों, रेलवे ALP 53 यानी साइको एग्जाम के मॉक टेस्ट लिंक से रिलेटेड तीन बड़े अपडेट आ रहे हैं रेलवे भर्ती बोर्ड कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जी हाँ दोस्तों, आज ही की डेट 2/5/2019 में आप देख सकते हैं कि कुल तीन यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। जो सबसे पहले दोस्तों वो है नोटिस ऑन एग्जाम गेट एंड सीट इंटीमेशन एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर मॉक लिंक। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया गया है प्रैक्टिस के लिए आपका, मॉक टेस्ट के लिए। तो तीसरा दोस्तों, कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं आपका जो भी 53 ALP के लिए है, तो इसके रिगार्डिंग एक गाइडलाइन भी जारी किया गया है। तो दोस्तों, अब इन तीनों चीज़ों को मैं एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ ओपन करके। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिस ऑन एग्जाम सिटी डेट पे ओपन करके बताता हूँ कि क्या बोला गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर कुछ फॉर्मल चीज़ें हैं जो बताया गया है कि आपको 27 अप्रैल का आपका रिवाइज रिजल्ट आया, और साथ ही साथ 30 अप्रैल को आपका जो एग्जाम डेट और सिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी और ट्रेवल पास डाउनलोड करने का जो लिंक था वो लाइव कर दिया गया, और साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग आपको SMS और ईमेल भी सेंड किया गया। अब दोस्तों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया है ये कि ऑल द कैंडिडेट अपेयरिंग इन एप्टीट्यूड टेस्ट आर एडवाइज टू थ्रूली रीड द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन गाइडलाइन एंड मॉक लिंक एंड प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट टू बी फैमिलियर विद द टेस्ट। तो दोस्तों, इसमें बोला गया है कि जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको मॉक टेस्ट लिंक में, तो उसे अच्छे से पढ़िए और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट लिंक के थ्रू, ताकि आप फैमिलियर हो सकें कि किस प्रकार का आपका टेस्ट होना है। इसके बाद दोस्तों, साथ ही ये भी बोला गया कि जो आपका टेस्ट होगा वो टोटल 71 मिनट का होगा, और आपको जो मिनिमम टी स्कोर है वो 42 लाना है ईच एवरी बैटरी टेस्ट। जो भी पांचों आपका बैटरी टेस्ट है तो सभी में आपको 42 मार्क्स लाना है दोस्तों। साथ ही जो एक सर्विस मैन है दोस्तों, इनके लिए यहाँ पर 35 जिनकी एज जो है 35 से ऊपर हो चुकी है एक सर्विस मैन, तो दोस्तों इनको एक रिलैक्सेशन है विजन स्टैंडर्ड में, जिनका प्रोफार्मा यहाँ पर दिया गया जो 6A में। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर 6x9 होगा आपका, 6x9.6x6, या फिर आपका 6x6.6x12 होनी चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप देख लीजिएगा डाउनलोड करके। एक तो आई विजन ले लीजिएगा, बनवा लीजिएगा आप। इसके बाद दोस्तों, जो आपका सेकंड चीज़ है वो आपका यहाँ पर लिंक दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर कोई भी आपको अपना कुछ भी लॉग इन के लिए कुछ भी नहीं डालना, सीधे यहाँ पर साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर कुछ निर्देश है जो गाइडलाइन, यहाँ पर जो निर्देश इंस्ट्रक्शन है जिसे आप भली बात पढ़ लीजिएगा आपको एग्जाम देने से पहले। यहाँ पर आप एग्जाम देने से पहले भी पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में ज़्यादा दिक्कत, यहाँ पर अपना टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नीचे नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर लेफ्ट साइड के नीचे कॉर्नर पे एक क्लिक का बटन होगा। क्लिक करने पर उस पर टिक करने के बाद आप जो है आई एम रेडी टू बिगिन पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप अपना कुछ इस प्रकार प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद आप अपने यहाँ पर जो पांचों बैटरी टेस्ट है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसे आप पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से कैसे क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जिसे आप पहले भी RDOC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया था, जिसे मैं सॉरी बोलता हूँ कि क्योंकि दोस्तों मैं उस समय वीडियो आपको बना नहीं सका। तो दोस्तों, ये तो दूसरी चीज़ रही। अब मैं डिस्कस करता हूँ तीसरा नोटिफिकेशन क्या है। तीसरा दोस्तों, नोटिफिकेशन में कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं मॉक टेस्ट से लिंक से रिलेटेड। तो इसको अगर मैं दोस्तों ओपन करूँ तो यहाँ पर आप गाइडलाइन जो है RDSO के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर गाइडलाइन जारी किया गया दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ बोला गया है कि ये टेस्ट आपके लिए किस प्रकार हेल्पफुल है, जिसे आपको पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो आपको टेस्ट देना ही देना है। फिर भी आपको अगर लगता है कि क्यों ऐसा टेस्ट लिया जाता है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या है कि परीक्षण हमारे लिए किस तरह लाभदायक है, तो दोस्तों ये भी जो है ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसे आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। फिर आपको आपको किस प्रकार के परीक्षण देने होंगे, तो दोस्तों यहाँ पर कुल जो है पांच आपके टेस्ट होंगे, पांच बैटरी टेस्ट होंगे, जिसके बारे में बताया गया है कि पहला मेमोरी टेस्ट होगा, उसके बाद जो है डायरेक्शन टेस्ट होगा, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, उसके बाद परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट होगा। दोस्तों, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा है इसमें ये बोला गया है कि यहाँ पर परीक्षण के नमूने के तौर पे कुछ यहाँ पर दिया गया है, जैसे क्वेश्चंस वगैरह उदाहरण के तौर पे, जिसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें बोला गया है कि आपको बेहतर अंक अगर दोस्तों पाना है, बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए आप कुछ टिप्स अपना सकते हैं जिससे आपको आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आ सकें। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि परीक्षण सत्र से पहले आप जो है रात भर नहीं जगें। मान लीजिए कल आपको 10 मई को पेपर है तो 9 मई को ज़्यादा रात को ना जगें।
सुनिश्चित करें कि रात में अच्छी नींद सोएं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपको क्वेश्चन पे जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा, जल्दी से आप आंसर कर पाएंगे। फिर क्या है कि परीक्षण स्थल पर पहुंचने के लिए समय से चले ताकि आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो जी हाँ दोस्तों, ये साइको पेपर है, तो आप जो है समय से थोड़ा पहले ही चले जाए ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना फील हो लेट होने की डर से। उसके बाद क्या है दोस्तों, परीक्षण के दौरान एग्जाम टाइम में क्या करना है कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे अच्छे से पढ़ें, फिर ठीक वही करें जैसा आपको कहा जाए, जो भी आपको कहा जाए वैसा ही किया जाए, कीजिए आप जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए एग्जामिनेशन हॉल में। फिर तीसरा क्या है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सोच विचार कर दे आप, बिना मतलब का टाइम वेस्ट मत करें, थोड़ा तो ठीक से पढ़ के ही आंसर करें। फिर क्या है, जल्दी से कार्य करें क्योंकि आपके अधिकांश परीक्षण की समय बहुत परीक्षणों की समय सीमा बहुत कम है। तो जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ा अपने स्पीड पे ध्यान देंगे कि आपकी जो टेस्ट है उस पर ज़्यादा समय न दें। फिर कठिन प्रश्नों पर समय नष्ट करें और अपने समीप बैठे या किसी भी कैंडिडेट के उत्तर की नकल ना करें क्योंकि उसके सवाल आपसे अलग होने की संभावना है। तो जी हाँ दोस्तों, कई शिफ्ट में पेपर हो सकते हैं, तो इसलिए आप नकल करने की बिल्कुल कोशिश मत करें। जो भी है आप अपने अपने दिमाग का प्रयोग करके ही आंसर दें। तो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आप अगर फॉलो करें तो अपने स्कोर है उसे शायद आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में ALPCVT 3 के लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सारी नोटिफिकेशन का दोस्तों मैं वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप डाउनलोड करके भी खुद पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। अब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।